यहाँ इस वक्त हमारे पास 61 पेशेंट्स है और इनके साथ एटलीस्ट दो या तीन तीन अटेंडेंट्स है। कुछ लोग तो नियर बाई इलाकों में रहते हैं और कुछ काफ़ी दूर से आए हैं, और जो अटेंडेंट्स है जो दूर से आए हैं इनके लिए चूँकि लॉकडाउन है बाहर, इनके लिए खाने पीने की कोई थोड़ी सी दिक्कत होती थी, किसी को नहीं मिलता था। पेशेंट्स के लिए तो हमने इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन जो अटेंडेंट्स है उनके लिए आज आर्मी ने यहाँ पर लंच का इंतज़ाम किया है, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है इनके लिए ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पर। और इससे एक और फ़ायदा भी मिला है, थोड़ा इंटरेक्शन भी हुआ है इनको आर्मी के साथ, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कंटिन्यू हो जाए दिन को भी और शाम को भी, जब लंच और डिनर दोनों टाइम ये कंटिन्यू रहे। इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत कारी है, हम लोगों को बहुत हेल्प कर रही है। इन्होंने इस टाइम इधर बहुत कुछ लाया इनके खाने पीने के लिए, पेशेंटों के लिए, तो उनकी बहुत मेहरबानी है। इंडियन आर्मी ने लंच और डिनर का इंतज़ाम किया, कुछ मुश्किलात हो रही थी वहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम में हमारा कोविड सेंटर है, और लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और कोशिश में लगे हैं, और लोग भी चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली अगर हो जाए तो उनको एक राहत की थोड़ी सी सांस ले पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस हालत में अटेंडेंस भी वहाँ पे होते हैं, और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं हम इस स्टेप को जो हमारी आर्मी ने आज यहाँ पे उठाया है।